हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स खट्टा। सो टुडेज टॉपिक ऑफ वीडियो इज द कार्बोवेज। तो कार्बोवेज के हम सभी गाइडिंग सिम्टम्स देखने वाले हैं अब। और पिछले वीडियो में मैंने कार्बन ग्रुप का सब बता दिया था, उसका माइंड, उसके फिजिकल सिम्टम्स, गाइडिंग्स। तो कार्बोवेज, तो मैंने एक पिक्चर बनाए, आप सबको तो पता ही होगा कि HMM के कौन से भी ड्रग के सिम्टम्स याद नहीं रहते। तो ऐसे पिक्चर टाइप में करने से ना हमें वो इजीली याद रह जाती है। तो ये पिक्चर में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है पता है कि फैन। तो फैन क्यों निकला है पता है क्या? कार्बोवेज का जो पेशेंट होता है उसको डिजायर होता है फैन का, वो भी रैपिडली फ्रॉम द क्लोज डिस्टेंस। उसको ऐसा लगता है कि फैन जो है वो मेरे पास में हो, और उसका जो स्पीड है ना वो एकदम रैपिडली होना चाहिए। तो ये पिक्यूलियर सिम्टम्स है कार्बोवेज का, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फैन निकाला है। और उसमें दिया है कि कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर अ फैन रैपिडली फ्रॉम द क्लोज डिस्टेंस से उसको फैन चाहिए, और वो भी रैपिड स्पीड में। तो ये है कार्बोवेज का पिक्यूलियर। उसके हम देखेंगे मेंटल सिम्टम्स। तो माइंड क्या है, तो हमने देखा था कार्बन ग्रुप कैसा होता है, एकदम स्लगिश होता है। कार्बोवेज में आप दो चीज़ें याद रखेंगे, पहला तो स्लगिशनेस होता है, और सेकेंड इज द कोल्डनेस। दो इम्पोर्टेंट फीचर्स है कार्बोवेज के, स्लगिशनेस और कोल्डनेस। तो माइंड में क्या है, माइंड में भी स्लोनेस, वीकनेस ऑफ मेमोरी, डिसलाइक डार्क एंड फियर ऑफ घोस्ट। तो इतना सब तो याद सभी रेमेड में होता है, पर आप पिकुलियर क्या याद रखेंगे, स्लोनेस। तो कैसे, उसमें स्लगिश है सब कुछ, स्लगिश, और बाद में उसमें क्या है, कोल्डनेस भी ज़्यादा। देन ये नोज है, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोल्ड ब्रेथ, उसमें क्या होता है, कोल्ड ब्रेथ होता है, और कोल्ड टंग होती, और कोल्डनेस इन द एक्सट्रीमिटी, मतलब सभी जगह वहाँ पर क्या है, कोल्डनेस है, कोल्डनेस इन द ब्रेथ, कोल्डनेस इन द टंग, एंड कोल्डनेस इन द एक्सट्रीमिटी। अगर हम नीज और फीट्स को जब टच करते हैं ना, तो हमें कोल्डनेस फील होता है उसमें। तो ये पिक्यूलर सिम्टम्स है कोल्डनेस और स्लगिशनेस, कोल्डनेस इन द ब्रेथ, टंग, एंड कोल्डनेस इन द एक्सट्रीमिटी। तो इसीलिए कोल्डनेस ऑफ ब्रेथ और टंग की वजह से कोलरा के कोलेस्ट स्टेज में भी कार्बोवेज दिया जाता है। देन क्रेविंग क्या होती है कार्बोवेज के पेशेंट को, कार्बोवेज के पेशेंट क्रेव्स थिंग्स विच मेक्स हिम सिक, मतलब जो चीज़ें उसको सिक बनाती है उसी को, वही उसकी की क्रेविंग्स होती है। देन हॉर्सनेस एग्रीवेटेड एट इवनिंग, हॉर्सनेस एग्रीवेट होता है इवनिंग के टाइम के, और उसका स्वेट भी पिक्यूलियर है, उसमें क्या होता है, कॉपियस कोल्ड स्वेट होता है। देन हम उसके GI कंप्लेंट्स देखेंगे, GI कंप्लेंट्स। तो GI कंप्लेंट्स मोस्ट ऑफ द कहाँ पर होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में उसके सभी GI कंप्लेंट्स होते हैं। देन सिंपल फूड डिसएग्री, सिंपल फूड डिसएग्री मतलब अगर वो थोड़ा सा बिल्ली फूड खा लेता है तो उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वीक डाइजेशन, सिंपल फूड डिसएग्री, एक्सेसिव फ्लैटुलेंस होता है पेशेंट में। हमने देखा कि कार्बन ग्रुप में फ्लैटुलेंस, प्रोफ्यूज फ्लैटुलेंस होता है, तो कार्बोवेज के पेशेंट में भी एक्सेसिव फ्लैटुलेंस होता है, और जो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में सभी कंप्लेंट्स होते हैं, और सिंपल फूड भी उसे डिसएग्री होते हैं वीक डाइजेशन की वजह से, और एक्सेसिव फ्लैटुलेंस रहता है। देन GI कंप्लेंट्स के हम एग्रीवेशन होता है लिस्ट फूड से, और लाइब्रेशन होता है इरेक्टेशन और फ्लैटुलेंस की वजह से। तो इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टेंट डिजायर फॉर द फैन फॉर रैपिडली फ्रॉम द क्लोज डिस्टेंस उसका माइंड, और कोल्डनेस होता है, और क्रेविंग्स होती है उस थिंग के लिए जो जिसकी वजह से वो सीक हो जाता है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ेस आप याद रखेंगे कि कार्बन ग्रुप में स्लगिशनेस से और कोल्डनेस से, और उसको रिलीफ मिलता है अगर फैन क्लोज डिस्टेंस से हो और रैपिडली स्पीड में हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।